दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं सेव की खट्टी मीठी लौंजी। सेव के फायदे तो सभी जानते हैं, इसमें वो सभी पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी माने जाते हैं। गुड़ और कुछ मसालों के साथ मिलकर के और भी ज्यादा फायदेमंद हो जाते हैं। 1.5 से 2 महीने तक आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं। पूरी पराठों के साथ ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने 4 सेव ली है। वजन में ये लगभग 1/2 किलो है यानी 500 ग्राम। सेव को सबसे पहले हम अच्छे से धुल लेंगे और धुलने के बाद कपड़े से पोंछ लेंगे। उसके बाद हम इसे छील लेंगे। यहाँ पर सेव मैंने मीडियम साइज का लिया है, न ज्यादा बड़ा है न ज्यादा छोटा। सेव खट्टा या मीठा कोई सा भी ले सकते हैं, खट्टे सेव रहेंगे तो चटनी और भी ज्यादा टेस्टी बनती है। तो देखिए सेव को मैंने छील लिया है, अब हम इसे काट लेंगे। तो चाकू से हम इसे इस तरह से लंबे लंबे पतले पतले साइज में काट लेंगे। आपके पास सेव कटर हो उसे काट लीजिएगा। मेरे पास सेव कटर नहीं था तो मैंने चाकू से काट लिया है। और देखिए सेव चाहे जैसे भी रखिएगा पतला पतला काटिएगा ताकि ये अच्छे से गल जाए। इस तरह से मैंने सारी सेव काट कर तैयार कर ली है। बीच वाला बीज का हिस्सा हटा देंगे। अब चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई रखी है, इसमें हम डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून तेल। तेल हम यहाँ ज्यादा नहीं डालेंगे, तेल जैसे ही गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा और 1 छोटा चम्मच सौंफ। सौंफ का फ्लेवर चटनी में बहुत अच्छा आता है और ये पाचन का भी कम करते हैं। तो जैसे ही जीरा और सौंफ चटक जाए तो इसमें हम डाल देंगे अदरक। यहाँ पर मैंने 1 इंच अदरक को कद्दूकस करके ले ली है। अदरक गले में खराश कफ को दूर करता है और शरीर के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर होता है। तो मैंने इसे अच्छे से डाला है और इनको 8 से 10 सेकंड तक भून लिया है। अब हम इसमें ये कटे हुए सेव डाल देंगे। साथ में हम डालेंगे नमक। तो यहाँ पर मैंने 1/2 छोटा चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा काला नमक ली है। 1/2 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर डालेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आप काला नमक की जगह सेंधा नमक भी ले सकते हैं। सेंधा नमक डालेंगे तो आप इस चटनी को व्रत में भी खा सकेंगे। नमक डालने से सेव बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और चटनी में इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इनको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और लो मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक पका लेना है। और ये देखिए 5 मिनट भी हुए हैं, हम इनको चेक कर लेते हैं। तो देखिए सेव अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैसर लेंगे और मैसर की हेल्प से सेव को मैश कर लेंगे। मैसर ना हो तो आप इनको खलबट्टे या गिलास से भी मैश कर सकते हैं। और देखिए सेव को पूरी तरह से मैश नहीं करना है, थोड़ी साबुत रखना है। इस तरह से इनको मैश करके लेंगे ना तो चटनी गाढ़ी गाढ़ी सी बनेगी और इनका टेस्ट भी अच्छा आएगा। और देखिए इस तरह से थोड़े सेव मैश हो गए हैं और सेव के छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं जो चटनी में देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी। अब हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और ये हमने 8 से 10 काली मिर्च को क्रश करके ले ली है, ये डाल देंगे। 1/4 चम्मच मैंने दालचीनी का पाउडर लिया है। अगर ये ना हो तो 1 इंच दालचीनी को जीरा और सौंफ भूनते समय डाल दीजिएगा। इनका फ्लेवर चटनी में बहुत बढ़िया आता है तो आप इनको जरूर से डालिएगा। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे गुड़। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम गुड़ ली है और 200 ग्राम मिश्री, ये धागे वाली मिश्री है जो आंखों के लिए काफी फायदेमंद होती है। तो इनको हमने छोटा छोटा तोड़कर लिया है। मिश्री की जगह आप चीनी भी ले सकते हैं या सिर्फ गुड़ या चीनी में भी बना सकते हैं। आधे गुड़ और आधे चीनी के साथ जब आप ये चटनी बनाएंगे ना तो चटनी का कलर अच्छा आएगा। सेव ज्यादा खट्टा नहीं होता है तो मैंने यहाँ 500 ग्राम सेव के लिए 400 ग्राम गुड़ और चीनी मिलाकर ली है। और देखिए 5 मिनट तक मैंने इनको पका ली है। अभी ये थोड़े पतले लग रहे हैं लेकिन ठंडे होने पर ये थोड़े और गाढ़े हो जाते हैं। तो चलिए अब हम गैस ऑफ कर देंगे। अब चटनी में खट्टापन लाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 नींबू का रस निचोड़कर ले ली है, ये डाल देंगे और इनको अच्छे से मिला लेंगे। नींबू प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है और चटनी को जमने नहीं देता है। नींबू की जगह सिरका या विनेगर भी डाल सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। सेव में फाइबर, आयरन, पोटेशियम, विटामिन सी होता है जो आंखों, बालों, त्वचा और पेट के लिए काफी फायदेमंद होता है। तो किसी न किसी रूप में इनका इस्तेमाल हमें जरूर करना चाहिए। अगर आपको भी मेरी तरह रोज सेव को काटकर खाना मुश्किल लगता है तो एक बार ये चटनी बनाकर रख लीजिए, सुबह शाम चम्मच से खाइए या रोटी पराठे के साथ। आप इस चटनी को बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं, बच्चे इस चटनी को बहुत पसंद से खाएंगे। और ठंडा होने के बाद इनको साफ सुथरे कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में ही रखिएगा, प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा। और चटनी को निकालने के लिए साफ सुथरे चम्मच का इस्तेमाल करिएगा तो ये चटनी लंबे समय तक खराब नहीं होगी। ये चटनी हेल्दी भी है और टेस्टी भी। तो दोस्तों आप एक बार इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करिएगा और रेसिपी जरा भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।